हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धिका मस वर्ल्ड। आज मैं आप सबके लिए हरे धनिए की मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। धनिए की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया लिया है। यहाँ पर 3 हरी मिर्च ली हैं, अगर ज़्यादा तीखी हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 से 1.5 इंच तक अदरक का टुकड़ा लिया है। 5-6 कलियाँ लहसुन की ली हैं। चटनी बनाने से पहले हमने हरे धनिया को अच्छे से धोकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब इसे हम चटनी जार में काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इसमें हम लहसुन की कलियां ऐड करेंगे। ये 5 से 6 लहसुन की कलियां हमने छील कर रखी हुई थी, और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, और 3 हरी मिर्च हैं। इनको हम 2 टुकड़ों में काट लेंगे और इसको जार में डाल देंगे धनिया के साथ में। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। अब इसमें आधी छोटी चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे। और खट्टे टेस्ट के लिए हमने इसमें आमचूर पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं इसमें। अब इन सब की अच्छे से हम चटनी बना लेंगे। ये देखिए, हमारी चटनी लगभग बन चुकी है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। इसमें 2 चम्मच के अकॉर्डिंग हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, और इसे 4-5 सेकंड के लिए 1 राउंड और लगवाएंगे, ताकि जो हमने इसमें चीनी ऐड की है वो अच्छे से मिल जाए। हमारी चटनी बन चुकी है। अब इसे हम एक प्याली में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है हमारी चटनी। इस धनिया की चटनी को आप गर्मा गर्म पराठों के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको चटनी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।